वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट चैनल पर। आज जो हम आपके साथ एक छोटी सी क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें हम आपका पेपर नंबर 15 स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, जो फाइनल लेवल का है पेपर नंबर 15, और ये पेपर जो है जून 2019 का है, इसके हम एमसीक्यू आपको आज डिटेल एनालिसिस करेंगे कि उनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, उनको हम कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दें अपनी, जिससे कि अगर वो एग्जामिनेशन में ट्विस्ट हो जाता है सवाल या कोई डाटा इधर उधर घुमा देता है, फिर भी हम कर ले जाएं। देखिए, एमसीक्यू बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके पास होने का और नंबर को बढ़ाने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आप इसको कंपलसरी क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, आप छोड़ नहीं सकते इसको। और आपको जो आंसर करने होते हैं, एक तो आपको अल्टरनेटिव चूज करना होता है 4 में से, और फिर उसका जस्टिफिकेशन भी देना होता है। तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो इससे पहले मैंने आपको एक दिसंबर 19 की क्लास दे दी है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया है। तो अब मैं शुरू करता हूँ इस क्लास को। इसका पहला सवाल मैं लेता हूँ आपके सामने। देखिए, पहला सवाल क्या है इसका, फर्स्ट जो है एक्स वाई जेड लिमिटेड है द फॉलोइंग अल्टरनेटिव प्लान प्लान एक्टिविटी लेवल। प्लान एक्टिविटी का लेवल का मतलब क्या है, वो एक वॉल्यूम बता रहे हैं कि इतने इतना एक एक लेवल है, इतना लेवल है, मतलब इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम पे हमारी ये कॉस्ट और वॉल्यूम का डाटा दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा ई लेवल में क्या है कि हमारी टोटल कॉस्ट 1 लाख आती है, अगर हम यूनिट प्रोड्यूस करते हैं 5,000, हमारी टोटल कॉस्ट एफ 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 लेवल पे कितनी आती है, 1.5 लाख रुपए अगर हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, और हमारी कॉस्ट जी लेवल पे कितनी आती है, 2 लाख रुपए अगर हम 15,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। हमें करना क्या है, इफ फिक्स ओवर हेड रिमेन कॉन्स्टेंट देन द फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एट लेवल ई, ये बताना है। ये कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट जो है आपकी रिमेन कॉन्स्टेंट रहती है, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट। तो आपको इस ई लेवल पे आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालना क्या है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी इस लेवल पे, इस वाले लेवल पे। तो इस सवाल को अप्रोच कैसे करें, इस सवाल को अप्रोच करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सिंपल फार्मूला रट लीजिए जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है कि आपका चेंज इन कॉस्ट बटे चेंज इन एक्टिविटी लेवल। तो ये निकल सकते हैं, ये कॉस्ट आपकी टोटल कॉस्ट है। तो यहाँ पे आप देखो चेंज इन आपकी एक्टिविटी चेंज हो रही है 5,000 से 10,000, यानी कि चेंज कितना हो रहा है, 10,000 से 5,000 चेंज हो रहा है। मतलब क्या है कि हम 10,000 एक्टिविटी पे जाते हैं और ये 5,000 एक्टिविटी पे जाते हैं, तो करस्पॉन्डिंग कॉस्ट कितनी है, 1.5 लाख रुपए है यहाँ पे कॉस्ट, और यहाँ पे कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए है। तो इससे आपकी क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगी, 50,000 डिवाइडेड बाई 5,000, ठीक है, ये 5,000। तो कितनी आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कितनी आएगी आपकी, 10 रुपए पर यूनिट। अब इस एक्टिविटी पे आपको एक सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए कि आपका जो जो टोटल कॉस्ट हो क्या होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपकी इस लेवल पे कितनी है, ये वाली, ये 1 लाख रुपए आ गई यहाँ पे, और फिक्स कॉस्ट तो हमें निकालनी है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 10 रुपए पर यूनिट है इंटू 5,000 हम बनाते हैं। तो इससे आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, इसको इधर घटाएंगे, 1 लाख में से ये 50,000 हो जाएगा, तो 50,000 बचेगा, फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 50,000। लेकिन ये टोटल है, आपको क्या निकालनी है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आपकी 50,000 कॉस्ट आई है 5,000 एक्टिविटी लेवल पे या 5,000 वॉल्यूम पे, तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी, 50,000 डिवाइडेड बाई 5,000, 10 रुपए पर यूनिट, ठीक है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट। तो आंसर तो आपका हो गया ये। तो एक तो तरीका सिंपल, ये मैंने आपको समझा दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे समझें, ये तो फॉर्मूला रट लो आप, इस तरह से आपको इस तरह का सवाल आ जाएगा तो आप कर देंगे। लेकिन मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट बताना चाहूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सिंपल, ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक जो बेसिक गवर्निंग इक्वेशन है, बेसिक गवर्निंग इक्वेशन क्या है आपकी, बेसिक गवर्निंग इक्वेशन है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है, यही सिंपल फॉर्मूला है। अब आप अगर इस सवाल पे ये लगाएं तो आप देखिएगा कि इसकी दो इक्वेशन बनेगी, एक्टिविटी ई के लिए और एक्टिविटी एफ के लिए। एक्टिविटी ई के लिए मैं लिख रहा हूँ, पहले टोटल कॉस्ट आपकी 1 लाख रुपए है, फिक्स कॉस्ट हमें पता नहीं, कोई फिक्स कॉस्ट दी नहीं है, टोटल कॉस्ट दी हुई है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मान लो वी है, अगर वेरिएबल कॉस्ट वी है पर यूनिट, तो आपकी कितनी हो जाएगी, ये
टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, 5000 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो ये हमारी होगी इक्वेशन एक। किसके लिए? ये इक्वेशन मैंने इसके लिए लिख दी है। अब मैं इस एक्टिविटी के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, तो इस एक्टिविटी के लिए इक्वेशन क्या आएगी, आपकी कॉस्ट टोटल 1.5 लाख रुपए है और आपकी फिक्स कॉस्ट मुझे पता नहीं क्या है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट इसकी पर यूनिट वी है, यूनिट कितनी प्रोड्यूस की है मैंने 10,000, तो ये गवर्निंग इक्वेशन 2 हो गई। अब आप देखिए हो क्या रहा है, अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दूं, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा जब ये इधर माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, तो ये तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका इस साइड में 50,000 माइनस का, और यहाँ बचेगा कितना, 10,000 में से 5,000 वी घटाओगे तो ये बचेंगे माइनस के 5,000 वी। वी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, तो ये दोनों साइन माइनस के हैं, तो ठीक है, इनको इनका रिलेवेंस खत्म हो जाता है। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी, 50,000 डिवाइडेड बाई 5,000, तो कितनी आ गई, 10 रुपये पर यूनिट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10 रुपये पर यूनिट। तो गवर्निंग इक्वेशन ये है, ये अगर आपने ये चीज़ कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लिया ना, तो आपको सवाल किस तरह से भी आए आप उसको निकाल ले जाएंगे, अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है। मैं यहाँ कह रहा हूँ हमें फॉर्मूला भी नहीं पता, तो अब हमें वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट आ गई, हमें क्या निकालनी थी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एक्टिविटी ई लेवल की। अब इस गवर्निंग इक्वेशन को दोबारा लगा देता हूँ, आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट है, इसको आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, आप फिक्स कॉस्ट है और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो आपकी ई एक्टिविटी के लिए दोबारा से ये इक्वेशन अगर मैं लगाता हूँ, तो 1 लाख रुपये ये रहा इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट मुझे पता नहीं है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट मुझे पर यूनिट की पता चल गई, तो मैं टोटल की कैसे निकाल लूंगा, 5,000 और जो पर यूनिट की है एक्टिविटी लेवल 5,000 है, तो 5,000 इंटू 10, भाई ये 10 आई है ना मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब एफ क्या आएगा, ये आपका कितना हो गया जी, ये आपका हो गया 50,000 और ये 1 लाख, तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी आ गई अगेन 50,000, तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ गई 50,000 डिवाइडेड बाई आपका एक्टिविटी लेवल है 5,000, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, 10 रुपये आ गई, तो फिर आंसर आपका ये अगेन डी आ गया। मैं आपको सिंपल ये समझाना चाह रहा हूँ इससे कि सवाल वही होते हैं, अगर आपने चीज़ों को ठीक से समझा हुआ है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। सिंपल एक फॉर्मूला था, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इससे आपकी, और चाहे आप, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता मेरे हिसाब से, तो इस तरह से बिल्डअप करें तो आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज आप वो सिंपल चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्टिविटी से वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, लेकिन वो आती कैसे वो मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया। तो मैं अब दूसरे सवाल पे चलता हूँ, दूसरे में टी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल द प्रोडक्ट, द कंपनी एक्सपेक्ट द फॉलोइंग रिवेन्यू एंड कॉस्ट 2018 में, इनका रिवेन्यू कॉस्ट डाटा दिया हुआ है, व्हाट अमाउंट ऑफ द सेल मस्ट बी प्रोड्यूस टू हैव अर्न ए टारगेट इनकम इफ दे हैव ए टैक्स रेट ऑफ 30। तो फिर मैं दोबारा से आपको वही बताता हूँ, एक तो फार्मूला आप कर लीजिए, फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला आपका ये है कि सेल पॉइंट आपका जो है, सेल पॉइंट आपका क्या आना चाहिए एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कि आपकी फिक्स कॉस्ट प्लस जो आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और 1 माइनस टैक्स जो आप देना चाहते हैं और डिवाइडेड बाई आपका कंट्रीब्यूशन बाई सेल का रेशियो जो है या पीवी रेशियो जो है, ये तो इसका है फॉर्मूला, ठीक है। तो आप अगर इसमें वैल्यू डाल दें तो आपको झट से आंसर आ जाएगा। यहाँ मैं वैल्यू आपको डाल के दिखा देता हूँ कि क्या सेल लेवल होना चाहिए, आपकी 50,000 फिक्स कॉस्ट है प्लस आपका प्रॉफिट कितना है 63,000 रुपये आपको प्रॉफिट चाहिए, आपका टैक्स रेट कितना है 1 माइनस 0.3, 30% टैक्स रेट हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन बाय सेल कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन सेल आप निकाल सकते हैं, देखिए ये आपका 600 रुपये पर यूनिट भाव है और 400 यूनिट बनाते हैं, तो आपका ये 1,60,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, तो पर यूनिट अगर निकालेंगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 400 तो कितनी आ जाएगी, 400 ही आ जाएगी, ठीक है। तो आपका कंट्रीब्यूशन ये सी बाई एस रेशियो कैसे निकल जाएगा, आपका सी बाई एस रेशियो कैसे निकलेगा, आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 600 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 600 सेल प्राइस, तो दिस बिकम 1/3, ठीक है, या 0.33, तो इसको 1/3 आप रख लो, तो इससे यहाँ आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा,
तो ये आपका आंसर कैसे आएगा, ये आपका हो जाएगा 90,000 करीब बनेगा, ये 90,000 बनेगा, तो ये होगा 50,000 पर 19,000, 1,40,000, 1/3, तो यहाँ 3 सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1,40,000, तो 4,20,000 लेवल आ गया आपका, 4,20,000 आ गया, 4,20,000 आपका आ गया। तो ये तो आपका एक आंसर हो गया, 4,20,000 में कहीं है आंसर, तो आपका हो गया ये वाला। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, फॉर्मूला कहाँ से आया था वो आप समझ लीजिए। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट्स आपका जो होता है, आप अगर इसको देखेंगे तो मैंने आपको ये बताया था कि देखिए ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर सेल, कंट्रीब्यूशन सेल या पीवी रेशियो जिसको आप कहते हैं, तो इस पर प्रॉफिट जीरो हो जाता है। लेकिन अब आप यहाँ चाहते हैं कि प्रॉफिट आए हमें कुछ, यहाँ पे तो प्रॉफिट जीरो है, प्रॉफिट यहाँ पे जीरो है। अब आप देखिए आप ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहते हैं कि हमें एक क्या रिवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा अगर हम प्रॉफिट बनाना चाहें, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके बताया था पिछली क्लास में। तो अब हम एक ऐसा पॉइंट सेल पॉइंट ढूंढना चाहते हैं जिसपे हमें कोई प्रॉफिट चाहिए। तो आप देखिए आपकी फिक्स कॉस्ट तो ये हाई है और आपका जो प्रॉफिट है, यहाँ आपका प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आप चाहते हैं इस सेल प्राइस पे, भाई इस पे तो आपका जीरो आ रहा था, और ये जो प्रॉफिट आप चाहते हैं ये आप एक तरह से आपको नेट टारगेट इनकम है, आपको ग्रॉस टारगेट इनकम तो ज्यादा चाहिएगी क्योंकि आपको टैक्स पे करना पड़ता है, भाई 30% आप टैक्स पे कर जाते हो, तो आपको यहाँ नीचे 1 माइनस टैक्स इसलिए लाना पड़ता है कि आपको वो प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट निकले वो ग्रॉस निकले, जिससे आपको जो नेट प्रॉफिट हो वो ये बच जाए टैक्स देने के बाद। और फिर कंट्रीब्यूशन बाई सेल तो आप करते ही हैं, जो आपका पीवी रेशो आता है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमें एक ऐसा सेल पॉइंट चाहिए, मतलब कितनी हम सेल करें जिससे हमारी ये फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाए और हमारा प्रॉफिट आ जाए टैक्स देने के बाद। तो ये 1 माइनस टी नीचे क्यों लाया हूँ मैं, 1 माइनस टी इसलिए लाया हूँ कि आपको यहाँ पे भाई कोई ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तभी तो टैक्स देने के बाद में जो है 63,000 चाहिएगा, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 63,000 डिवाइडेड बाई अगर 30% टैक्स रेट है तो 0.7, दैट मीन्स 90,000। तो यहाँ ये इस तरह से फॉर्मूला आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये कैसे आपका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, और मैंने आपको सवाल करना ही बता दिया। अब थर्ड नंबर के सवाल पे चलते हैं, आंसर तो आपका 4,20,000 हो गया था। देखिए एक्सेल प्रोडक्ट्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर 4 प्रोडक्ट जिनके नाम ई एफ जी एच हैं, जिसमें सेम मटेरियल यूज होता है, ये 4 प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें सेम मटेरियल यूज होता है। द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट ई एफ जी एच, उस मटेरियल की 1 kg लगता है ई में, 2 kg लगता है एफ में, 5 kg लगता है जी में, और 7 kg लगता है एच में, ठीक है, ये दिया हुआ है। इनका सेलिंग प्राइस ये है और वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, तो मटेरियल अवेलेबिलिटी को लिमिट फैक्टर मानते हुए आपको करेक्ट ऑर्डरिंग बताना है। तो आपने अगर कॉन्सेप्ट वो उसमें देखी होगी, लिमिटेड आपके ये थ्रूपुट में भी आती है ये चीज़, और भी आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग में भी ये चीज़ आती है, तो उसमें आप क्या करेंगे, इसमें सिंपल इसका कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन जो होता है, कंट्रीब्यूशन आप जानते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन सेल पर जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इस केस में आप सबकी निकाल लेंगे और फिर जो कंट्रीब्यूशन आया होगा उस कंट्रीब्यूशन को जो स्केयर रिसोर्सेज है, ये वाला मटेरियल अवेलेबल, क्योंकि आपका मटेरियल जो है वो एक तरह से लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, ये कंस्टेंट बना रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस लिमिटेड जो आपका पर यूनिट या पर केजी ऑफ मटेरियल आपका कंट्रीब्यूशन क्या आता है, जिसका ज़्यादा आएगा उसको उस हिसाब से रैंक कर देंगे। तो इस केस में आपकी देखिए ई के केस में आपका कंट्रीब्यूशन क्या आता है, अगर मैं देखूँ ई के केस में आपका कंट्रीब्यूशन आता है, यहाँ लिख लेते हैं नीचे, ई के केस में आपका कंट्रीब्यूशन आएगा 50, एफ के केस में आपका कितना आएगा, 150 माइनस 70, तो ये हो गया 180, और इसमें कितना हो गया 100, और इसमें कितना हो गया 305 और 97 175, ठीक है। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। अब आपका मटेरियल का यूजेज जो है, इसमें मटेरियल इसमें तो 1 kg यूज हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, 2 kg हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, 5 kg हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, 7 kg हो रहा है। तो आपका कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल कॉस्ट कितना निकालेंगे, वो आपका आएगा इसमें तो 50 ही आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा 40, इसमें आपका आ जाएगा 20, और इसमें आ जाएगा 17, 7 दूनी 14,
35, 7, 5, 35, 25। तो ये आपका, ये आपके आ गए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर केजी मटेरियल के हिसाब से, जो लिमिटेड फैक्टर है। तो इसमें जिसका ज्यादा है उसको आप रैंक वन कर दो उसके ऑर्डर में। तो ये आपका रैंक वन हो गया, ये आपका रैंक टू हो गया, ये आपका रैंक थ्री हो गया, और ये आपका रैंक फोर हो गया। तो आपका रैंक क्या बना? वन, मतलब EFHG, EFHG, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल, एक बहुत सिंपल सवाल है। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई कॉन्सेप्ट है नहीं ऐसी। आपको कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो आपका इसके रिसोर्स है उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन निकालना है। जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आता है उसको रैंक दे देनी है। चार, ये आपका फोर्थ सवाल है। एस लिमिटेड रिसेंटली सोल्ड एन ऑर्डर ऑफ 50 यूनिट हैविंग द फॉलोइंग कॉस्ट। एक एस लिमिटेड कंपनी है जिसने आपका जो है एक ऑर्डर को सेल किया है, 50 यूनिट बनाई थी, उसका कॉस्ट डाटा दे रखा है इन्होंने। तो ये कॉस्ट डाटा में क्या दिया? डायरेक्ट मटेरियल इतना दिया है, डायरेक्ट लेबर आवर 8,500 रुपये के हिसाब से यूज होते हैं 1,000 आवर, वेरिएबल ओवरहेड जो है 1,000 आवर पे 4 रुपये के हिसाब से यूज होते हैं, फिक्स ओवरहेड जो है वो आपके 1,400 आते हैं। वो कैसे आते हैं? जो टोटल एलोकेटेड कॉस्ट है आपकी वेरिएबल, उसका 10% है ये फिक्स ओवरहेड। ये वाला जो फिक्स ओवरहेड है ये इन्होंने कैसे निकाला है? 1,400 रुपये, ये आप देखो कितनी आई है, और 14,000, 14,000 का 10% 1,400, ये ऐसे आया है। आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। इन्होंने कहा कि एलोकेटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। तो आपके जो जो ये फिक्स ओवरहेड है वो आपने वेरिएबल कॉस्ट के 10% मान लिए हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या है? मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 14,000, 14,000 का 10%। कंपनी हैज नाउ बीन रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ए बिड ऑफ 150 यूनिट फॉर द सेम प्रोडक्ट। तो कंपनी ने 50 यूनिट बनाए थे, अब कंपनी को एक बिड करना है। उसके पास एक ऑफर आया है कि भाई 150 यूनिट के लिए आपकी कॉस्ट क्या रहेगी ये वहां में बताओ। इफ एन 80% लर्निंग कर्व इज एप्लीकेबल, कॉस्ट क्या आएगी ऑर्डर की ये बताना पड़ेगा आपकी। भाई क्या कॉस्ट आएगी ऑर्डर की ये आपको बताना पड़ेगा, आपका लर्निंग कर्व अगर 80% है। तो अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी इससे पहली, तो उसमें जो इसमें दिसंबर 19 का पेपर सॉल्व किया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि लर्निंग कर्व क्या होता है। लर्निंग कर्व को अगर आप समझें, लर्निंग कर्व का फैक्टर जो होता है, लर्निंग कर्व रेशियो जो होता है, ये 80% दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि ये इस कॉन्सेप्ट को मानता है कि शुरू में जब लेबर होती है वो कुछ ज्यादा टाइम लगाती है किसी जॉब को करने में, जब वो धीरे धीरे ट्रेंड होती है तो वो फिर टाइम कम लगता है। जैसे आप भी कोई नया काम करते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, जब आप उसमें एक दो बार काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप उसको जल्दी से कर ले जाते हैं। तो बेसिक ये आप मान के चलिए कि अगर हम मान लीजिए एक क्वांटिटी एन एन नंबर बनाते हैं और हमें टी टाइम लगता है, तो अगर हम 2n बनाएंगे, मतलब हम अपना वॉल्यूम डबल करेंगे, तो हमारा मैथमेटिकली टाइम 2t लगना चाहिए। हमारा एक्चुअल में क्या लगेगा? 80% ऑफ 2t लगेगा, मतलब 1.60 लगेगा। अगर हम इसको अगेन 4 कर दें, 4n कर दें, मतलब अपने वॉल्यूम को 4 गुना कर दें, तो हमारा टाइम कितना लगना चाहिए? फिर हमारा टाइम लगना चाहिए आपका 4 × 0.8 × 0.8 t, ये लगना चाहिए। तो ये कितना आएगा आपका, ये हो गया 0.8 × 0.8 × 4, हमारा कितना लग रहा है 2.56 t। मतलब ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, डबल करते जाएंगे, बढ़ाना नहीं, हम वॉल्यूम को डबल करेंगे, जैसे हमने दुगना किया फिर यहाँ इसका भी दुगना किया, तो हमारा टाइम जो है लेबर का वो इस फैक्टर के साथ रिड्यूस होता जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? देखो इस सवाल में पहले मैं आपको इसमें करेंगे कि जैसे हम 50 यूनिट बनाते थे, तो देखो भाई हम पहले अगर 50 यूनिट बनाते थे, मैं यहाँ 50 यूनिट लिख देता हूँ, मैं 50 बनाता था, अगर मैं इसको डबल करूंगा तो 100 आएगा और इसको और डबल करूंगा तो 200 आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे बिड कितनी करनी थी? मुझे बिड करनी है 150 की। तो 150 का मैं कॉस्ट कैसे निकालूं? अगर मैं 200 वाले कॉस्ट में से इस 50 के कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो आपको आपकी बिड आ जाएगी 150 की। तो इसमें चेंज क्या होगा? चेंज कुछ नहीं होगा, चेंज तो मटेरियल तो चेंज होगा नहीं भाई, मटेरियल पे तो फर्क पड़ना नहीं, लेबर कॉस्ट चेंज हो रही है। जैसे हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, लेबर कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो रही है, तो लेबर कॉस्ट कितनी रिड्यूस होगी वो हम देखते हैं। तो अगर आप यहाँ देखो तो इसका तो ये डाटा आपको 50 का पता ही है, 50 का आपको डाटा पता है कि 15,400 आपका लगता है। अब अगर आप इसको 100, इसको आप सीधे यहाँ पे ले आता हूँ मैं, 200 यूनिट बना रहे हैं तो आप देखिए 50 के लिए 1,500, 50 के लिए आपका 1,500, तो 1,500 × 4 हो जाएगा 4 गुना, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, ये तो आपकी हो जाएगी 6,000, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट तो आपकी हो जाएगी 6,000। अब आपका लेबर कॉस्ट कितना बढ़ना चाहिए? इसको आपको लेबर कॉस्ट का रेट है आपका 8.5 रुपये पर घंटा, तो आपके घंटे कितने रिड्यूस होंगे? देखो यहाँ
आपके 1000 घंटे लग रहे हैं 50 को बनाने में, तो 200 को बनाने में कितने घंटे लगेंगे? 200 इसके 4 गुना लगेंगे मैथमेटिकली, लेकिन हमें आपको वो फैक्टर भी यूज करना पड़ेगा। तो हमारे घंटे कितने लगने चाहिए आपके? आपको लगने चाहिए 1000 × 4 गुना, भाई 50 का ये 4 गुना है ना, × 0.8 × 0.8, डबल कितनी बार किया वॉल्यूम, एक बार दो बार, तो ये कितने घंटे लगेंगे जी हमारे? लेंगे आपके 4000 × 0.8 × 0.8, ठीक है, आपके 2560 घंटे लगेंगे इसमें। कितने घंटे लेंगे? 2560 घंटे लगेंगे यहाँ, और 1 घंटे का रेट है 8.5 रुपए, तो 8.5 × 2604 कितने हो गए जी आपका? 21000, 21760, 21760। आपके जो 2560 घंटे यहाँ आए थे, 2560 घंटे को आप 8.5 से गुणा करेंगे, 2560 × 8.5 करेंगे, तो आपका ये आएगा 21760। तो ये आपका लेबर कॉस्ट आ गया। अब ओवरहेड का क्या है? ओवरहेड का आपका है 4 रुपए का रेट, तो आपके घंटे कितने लग रहे हैं? 2560, तो ओवरहेड का रेट कितना आ जाएगा आपका? ओवरहेड का रेट आ जाएगा आपका 2560 × 4, ये आपका हो गया 10000, 10240, ठीक है। और फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं आपके? 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, तो 10% ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है, तो इनको जोड़ के इसका 10% कर लीजिए, 6000 + 21760 + 10240, ठीक है, ये आपका आ गया 38000, इसका 10% हो गया 3800 रुपये, ठीक है। तो इन सबको जोड़ के इसका 10% निकाल लीजिए, तो आपकी ये फिक्स वाली आ जाएगी, तो आपका 3800 रुपये आएगा। तो इसमें आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है देखिएगा, ये सारी टोटल कॉस्ट 200 200 ऑर्डर को बनाने वाली, ये आपकी आ रही है 6000 + 21760 + 10240 + 3800, ये आ गई 41000 आपकी, 41800, ठीक है। और इसमें से आप 15400 घटा दीजिए, माइनस 15400, तो आपकी आ गई 26400, 26400। ये वाली जो कॉस्ट आई है 200 की है, इसमें से 50 की घटा दीजिए, तो आपकी 150 की कॉस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, तो आपकी कॉस्ट आ रही है 26400। तो इसका आंसर क्या है वो देखते हैं, ये आंसर तो इसका ये हो गया सी, 26400। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इस बारी पूरी कॉन्सेप्ट में, केवल ये देखना है कि जैसी हम कैपेसिटी को डबल करेंगे, हमारे घंटे जो है लेबर आवर जो है उस फैक्टर के साथ कम होते जाएंगे, जो मैंने आपको समझाया। तो अगर आप ये चीज समझ गए होंगे, तो आप मेरे हिसाब से कोई भी सवाल आएगा तो उसको आप कर ले जाएंगे। अब मैं अगला सवाल लेके चलता हूँ, पांचवा सवाल है। कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल पैकेजिंग मशीन, ये कोई पैकेजिंग मशीन बनाते हैं, इट रिसेंटली इंट्रोड्यूस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस की है अपने सिस्टम में। ईच पैकेजिंग मशीन रिक्वायर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, 50000 रुपए की मटेरियल कॉस्ट है इनकी, ठीक है, 50 इक्विपमेंट पार्ट्स, उसमें 50 इक्विपमेंट पार्ट्स लगते हैं, ये तो मटेरियल कॉस्ट है। अब ये इक्विपमेंट पार्ट्स जो है ये कोई एक्टिविटी होगी, ठीक है, 12 मशीन आवर, ये भी एक्टिविटी है, मशीन आवर एक्टिविटी है, 15 असेंबली लाइन आवर्स और 4 इंस्पेक्शन आवर। तो ये इसमें मटेरियल कॉस्ट तो कोई एक्टिविटी नहीं है, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है आपकी। आपकी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी क्या है? इक्विपमेंट पार्ट्स, आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है 50 लगते हैं उसमें, 12 मशीन आवर लगते हैं, 15 जो है आपकी असेंबली लाइन आवर लगते हैं, 4 इंस्पेक्शन आवर लगते हैं। तो इनकी इन्होंने क्या दिया है, ये जो आपके चार ही एक्टिविटी हैं, इनके कॉस्ट पूल दिए हुए हैं यहाँ पे। हम क्या करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम जो है एक एक्टिविटी को पूरी कॉस्ट को पूल कर लेते हैं, और उसके हमारे टोटल जितने भी आवर्स होते हैं, जैसे मशीन की कॉस्ट हमारी मान लीजिए 1 लाख रुपए है, और हमारे मशीन के आवर 2000 रुपए, 2000 घंटे हुए, तो हम क्या करेंगे, पर आवर रेट हमारा आ जाएगा, और जितना किसी प्रोडक्ट ने कंज्यूम किया है उस प्रोडक्ट में हम उतना ही कॉस्ट को एब्जॉर्ब करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ये कर। तो इस केस में, हमारे केस में क्या है, ये चार एक्टिविटी पूल है आपके, इसके हिसाब से इस पैकेजिंग मशीन ने कितने कॉस्ट पूल को यूज किया है उसकी हम उसको एलोकेट कर देंगे। द कंपनी हैज रिसीव एन ऑर्डर ऑफ 40 कैन पैकेजिंग मशीन फ्रॉम ए कस्टमर यूजिंग द एक्टिविटी, द इनडायरेक्ट कॉस्ट अलोकेटेड द ऑर्डर कितनी होगी। हमें ये निकालना है कि 40 मशीन का हमें ऑर्डर मिला है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी होगी। भाई देखो, इनडायरेक्ट कॉस्ट केवल इसमें एक्टिविटी कॉस्ट है, हैं, ये आपकी मटेरियल कॉस्ट है, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मटेरियल कॉस्ट तो डायरेक्ट है, ये सारी एक्टिविटी कॉस्ट है पर मशीन की, ये सारी एक्टिविटी कॉस्ट है। तो आप निकाल लीजिए कि आपकी एक्टिविटी कॉस्ट कितनी आएंगी 40 ऑर्डर के लिए। एक मशीन के लिए अगर मैं निकालना शुरू करूँ, तो एक मशीन के लिए आपका 50 इक्विपमेंट पार्ट लगता है और 80 8 रुपए पर पार्ट है, तो ये
ये की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, पार्ट की कॉस्ट उसकी मशीन हैंडलिंग की 50 × 8 कितना हो गया जी, 5 × 8 = 40, 400 रुपए। ये 68 पर आवर मशीन आवर यूज करता है और 12 मशीन लगती हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, 68 × ये आएगी 68 × 12, ठीक है। तो 68 × 12 कितनी होगी, और ये आपकी होगी 68 × 12, ये आपकी होगी 816 रुपए। अब आपके 15 असेंबली आवर है, एक असेंबली आवर की कॉस्ट है 75, तो 15 × 75 में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये आपकी कितनी आ जाएगी, 1125 रुपए। 15 × 75 आप करेंगे, इसकी 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 104 इंस्पेक्शन आवर लगते हैं। एक इंस्पेक्शन आवर की कॉस्ट कितनी है, एक इंस्पेक्शन आवर की कॉस्ट कितनी है, 104, और 4 इंस्पेक्शन आवर लगते हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी इंस्पेक्शन की, 104 × 4, 416। तो एक कंपोनेंट की, एक मशीन की कितनी कॉस्ट आ गई इनडायरेक्ट, आपका इक्विपमेंट पार्ट है तो 50 × 8, 400, फिर आप इस तरह से इनको गुणा करेंगे तो आपका 2757 आएगा, और 40 यूनिट की जो कॉस्ट आएगी आपकी मशीन की, वो आएगी 1,10,280। आप देखेंगे इसका आंसर होगा डी। मैं आपका छठा सवाल लेके चलता हूँ। ए बी लिमिटेड यूजेज स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम यूज करते हैं, आपको पता होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम का, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू द डायरेक्ट लेबर ऑफ प्रोडक्ट एक्स, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है इन्होंने, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आवर दिया हुआ है, एक्चुअल रेट पर आवर दिया हुआ है, दोनों का स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है और एक्चुअल रेट दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड आवर आपने अलाउड किए हैं प्रोडक्शन के लिए 2000 आवर यूज किए हैं, और लेबर की एफिशिएंसी का वेरिएंस जो आता है 1600 का एडवर्स आता है, तो आपको एक्चुअल आवर निकालने पड़ते हैं। देखो लेबर की एफिशिएंसी क्या होगी, लेबर की एफिशिएंसी रेट से तो डिसाइड होगी नहीं, तो मैं आपको इसमें आपको वेरिएंस किसका निकालना पड़ेगा, एक्चुअल आवर और आपने जो बजटेड आवर है उसमें कुछ आ रहा होगा, तो आपका क्या है, आपका जो वेरियंस आ रहा है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका लेबर इफिशियंसी जो वेरियंस होगा वो आपका स्टैंडर्ड प्राइस का स्टैंडर्ड लेबर टाइम माइनस एक्चुअल लेबर टाइम, ये होगा। क्योंकि देखो यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस क्यों लेंगे कि भाई लेबर की एफिशिएंसी का प्राइस से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, लेबर की एफिशिएंसी आ रही है, लेबर कितना ठीक काम कर रही है, तो इसलिए यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस रखते हैं। तो आपका ये एडवर्स आ रहा है, यानी कि ये आपका आ रहा है -1600, एडवर्स का मतलब माइनस ले लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस आपका कितना हो गया, 8 रुपये, और 2000 आपने घंटे अलाउड किए हैं उसको, तो एक्चुअल आवर कितने होंगे, एक्चुअल आवर कितने होंगे उसके, इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये आपका आएगा -1600 और 8 × 16,000, और ये आपका आ जाएगा माइनस में 8 लेबर आवर। तो आप इसको अगर करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 16,000 − 1600, ठीक है, 14,400 डिवाइडेड बाई 8, आपका ये आंसर आएगा 1800। एक्चुअल लेबर आवर कितने आएंगे आपके, एक्चुअल लेबर आवर्स कितने आएंगे, 1800। अब मैं आपका सातवां सवाल कराता हूँ। एक्स लिमिटेड हैज 100 यूनिट ऑफ एन ऑप्सिलीट आइटम, कोई एक ऑप्सिलीट आइटम की उसकी 100 यूनिट पड़ी हुई है, विच आर कैरिड इन इन्वेंट्री एट द ओरिजिनल प्राइस। भाई ये कोई एक यूनिट ऑप्सिलेट हो चुकी है, कोई उनकी इन्वेंट्री में आ रही है लेकिन कंपनी की, तो उसकी जो किताब की वैल्यू है वो 50,000 है, वो उसमें आ रहा है। इफ दीज आइटम आर रिवर्क फॉर 20,000 रुपये में, उसको रिवर्क किया जाता है, उसको 36,000 में आप बेच सकते हो। भाई आपके पास ये एक सामान बेकार पड़ा है, 50,000 रुपये जिसकी किताब में वैल्यू है वो बेकार पड़ा है, वो ऑब्सोलीट हो चुका, तो उसको आप क्या करते हैं, या तो स्क्रैप में बेच सकते हैं ये, लेकिन ये एक ही कह रहा है कि आपका जो है ये 20,000 रुपये अगर आप उसमें उसमें कुछ खर्च कर दें तो उसको 36,000 रुपये में बेचा सकता है। उसके अलावा उसको दूसरा तरीका ये कि आप अल्टरनेटिवली आपको स्क्रैप में बेचा जा सकता है 6,000 रुपये में। तो इन डिसीजन मेकिंग मॉडल का क्या मतलब है, आपको रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस आना चाहिए। रिलेवेंट कॉस्ट में क्या करते हैं कि वो कॉस्ट केवल जोड़ते हैं जो रिलेवेंट होती है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। अगर डिसीजन मेकिंग में करें, डिसीजन हमें क्या लेना है, या तो हम स्क्रैप में बेच दें या हम उसको रिवर्क करें, तो आप बताइए इसमें कॉस्ट कौन सी कॉस्ट रिलेवेंट है। ये 50,000 रिलेवेंट है क्या, बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, ये तो कोई डिसीजन मेकिंग का पार्ट ही नहीं बननी। डिसीजन मेकिंग में आपको ये बनना है कि ये रिवर्क करें या इसको बेच दें। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो आप जो दूसरा अल्टरनेटिव है उसकी उसका जो बेनिफिट फॉरगो होता है, ठीक है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो इस केस में आपको अगर आप इसको इसको अगर आप रिवर्क करते हैं तो 20,000 रुपये लगाएंगे, 36,000 का बिकेगा आपका सामान, तो कितना फायदा हुआ यहाँ, 16,000 का तो आपको फायदा हो ही रहा है ना यहाँ पे।
ये आप 6,000 रुपये में वैसे ही बेच सकते हैं, तो भी आपको जो है 6,000 अगर ये भी निकाल दें तो भी आपको 10,000 रुपये का फायदा है। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आप डिसीजन क्या लेंगे? डिसीजन आप लेंगे कि भाई हम इसमें इसको रिवर्क करें, हम 20,000 रुपये लगाएं और 36,000 में बेचें, ये हम डिसीजन लेंगे। तो जब हमने ये डिसीजन लिया तो हमने कौन सी अपॉर्चुनिटी खो दी, हमने ये अपॉर्चुनिटी खो दी, अब हम इसको मार्केट में नहीं बेच सकते स्क्रैप में। तो ये 6,000 रुपये जो कॉस्ट है ये आपकी रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस केस में क्या हो जाएगी, 6,000 रुपये हो जाएगी। एक आपका ये आठवां सवाल है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मे नॉट बी सक्सेसफुली अप्लाइड इन द फॉलोइंग केसेस। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होती है कि हम उसमें यूनिफॉर्मली कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो वो कहाँ सुटेबल होती है, जहाँ पे आपके एक एक तरह के प्रोडक्ट बन रहे हों या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आपकी, मान लीजिए बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, तो आपने चाहे आपकी 50 जगह है वो बिस्किट बनाने की फैक्ट्री, तो आप ठीक है एक सिंपल उस बेसिस पे उसको एलोकेट कर सकते हैं। तो एक थ्योरेटिकल लेवल का सवाल है, मैं इसके सारे अल्टरनेटिव पढ़ के आपको समझाता हूँ कहाँ पे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग आप यूज नहीं कर सकते। इन ए सिंगल एंटरप्राइज हैविंग ए नंबर ऑफ ब्रांचेज ईच ऑफ विच मैन्युफैक्चर द सेम सेट ऑफ द प्रोडक्ट विद द सेम सेट फैसिलिटी। तो यहाँ तो क्यों नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल यूज कर सकते हो भाई। यहाँ आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में क्या बना रहे हो, सेम प्रोडक्ट बना रहे हो, सेम सेट प्रोडक्ट बना रहे हो और सेम फैसिलिटी यूज कर रहे हो, तो आपकी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बिल्कुल यूज हो जाएगी। इन ए नंबर ऑफ एंटिटी इन द सेम इंडस्ट्री बाउंड टू ट्रेड ट्रेड एसोसिएशन। भाई ट्रेड एसोसिएशन बताती है कि कौन वो किस तरह से वो अपना वो रखेंगे, प्राइस रखेंगे, क्या करेंगे। ट्रेड एसोसिएशन है उस इंडस्ट्री को एक तरह से गवर्न करती है। तो ठीक है आप रख सकते हो यहाँ भी, जो एक एक सिंपल जो भी है उनके लिए आप एक यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन ए नंबर ऑफ यूनिट अक्रॉस द डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन मैन्युफैक्चर वन और मोर ऑफ ए गिवन सेट ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या है, आपकी अलग अलग यूनिट हैं जो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे हैं, लेकिन आप बनाते क्या हैं, आप एक या दूसरे प्रोडक्ट बनाते हैं किसी सेट ऑफ प्रोडक्ट्स में। मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे कोई फैक्ट्री लगी हुई है, ए बी सी इस डी, चार फैक्ट्री हैं। अब ये प्रोडक्ट मान लीजिए ये बनाती है प्रोडक्ट फर्स्ट सेकेंड, ये बनाती है प्रोडक्ट सेकंड ओनली, ये प्रोडक्ट बनाती है फर्स्ट भी बनाती है सेकंड भी बनाती है, ये प्रोडक्ट थर्ड भी बनाती है सेकंड भी बनाती है, तो सेकंड भी बनाती है फर्स्ट भी बनाती है। तो इसमें इस तरह के में आप यूनिफॉर्म कॉस्टिंग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो जो बाकी है वो एक तरह की प्रोडक्ट बना रही ना, एक ज्योग्राफी तो डिफरेंट है, लेकिन आप कहाँ नहीं लगा सकते, इन ए डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सेम कंपनी ईच ब्रांच मेकिंग ए डिफरेंट प्रोडक्ट यूजिंग ए यूनिक प्रोसेस। अब भाई आपका प्रोसेस ही डिफरेंट है, आपकी जो यहाँ पे क्या थे सारे कुछ सिमिलैरिटी थी, एक तरह के प्रोडक्ट बना रहे, आप यहाँ क्या बना रहे, मेकिंग ए डिफरेंट प्रोडक्ट यूजिंग यूनिक प्रोसेस। अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हो, मान लीजिए आप ए बनाते हो, बी बनाते हो, सी बनाते हो, इसके लिए प्रोसेस कुछ अलग है, इसके लिए प्रोसेस कुछ अलग है, इसके लिए प्रोसेस कुछ अलग है, तो आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे, नहीं लगा सकते। तो आप ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इस केस में नहीं लगाई जा सकती। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 9th नंबर है, लास्ट इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कंस्ट्रेंट इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग में आपकी कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। और लीनियर प्रोग्रामिंग करती क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या करती है, आपकी या तो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करती है या फिर आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करती है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट में काम करते हुए। तो बेसिकली क्या होता है, ये अगर आपने ये जीरो डाल दिया यहाँ पे तो ये तो इनवैलिड इनवैलिड होगी, ये कंस्ट्रेंट कहाँ रही, कंस्ट्रेंट है ही नहीं, है तो बैलेंस इक्वेशन है। कंस्ट्रेंट का मतलब है कोई चीज हमारे पास जितनी चाहिए उससे कम है एक तरह से, तब वो कंस्ट्रेंट बनेगी। तो आप इस केस में देखिए, ये वाले केस में क्या हो रहा है, कोई मान लीजिए टी टी मान लो टाइम होगा 5x1 + 2x2, इसकी जो हमारी ये है ये 10 है या 10 से, मतलब इसमें जो हमारे पास 10 है ये चीज, और इसमें इसमें जो यूज हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो 10 या उससे कम कर सकते हैं। तो ये आपको आपकी कंस्टेंट है कि आपके पास मैक्सिमम जो भी ये चीज है, मान लीजिए टाइम है या क्वांटिटी है जो x1 x2 में के लिए लगेगी, वो 10 ही है आपके पास, तभी तो ये कंस्टेंट बनी। तो ये अगर अगर आपको यहाँ पे इजिकल टू लेस देन और लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा तब तब भी आपकी वैलिड कंस्ट्रेंट बनेगी। ये तो आपकी जो रिसोर्स आपको चाहिए, ठीक है, ये रिसोर्स जो यहाँ पे आपको चाहिए इसमें तो ये वैलिड कंस्ट्रेंट बनेगी नहीं, क्योंकि आपको जो है आपके पास एक ही तरह का साइन है।
और ये भी आपके इनवैलिड टाइप का है, ठीक है। एक्स वन इस तरह का कोई आता नहीं है, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है नहीं है, तो आपका जो वैलिड कंस्टेंट इक्वेशन बनेगी वो यही बनेगी। द शेडो प्राइस ऑफ स्किल्ड लेबर एसटी लिमिटेड इज करंटली 10 रुपए पर आवर। इसका क्या मतलब है? शेडो प्राइस क्या होता है किसी का, लेबर का? शेडो प्राइस वो होता है कि आपका कंट्रीब्यूशन, अगर आपका एक यूनिट बढ़ाएंगे तो आपका, ये एक एक तरह से स्केर रिसोर्स की बात कर रहा है यहाँ पे भी, तो इसका सिंपल ये होता है कि अगर आप स्केर रिसोर्स यूज करेंगे, इसको इसको बढ़ाएंगे आप अपने स्किल लेवल, तो आपका कंट्रीब्यूशन आपका बढ़ेगा, इसका मतलब ये है, या इसको कम यूज करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आपका घटेगा सीधे सीधे। तो इसका आंसर इन्होंने दिए हुए हैं, द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग स्किल लेवल इज 10 रुपए। नहीं, ये मतलब नहीं है, ये तो आपका स्किल रिसोर्स है, ठीक है। देर इज ए हिडन कॉस्ट ऑफ 10 रुपी फॉर ईच आवर ऑफ स्किल लेवल एक्टिविटी वर्क। नो, ये हिडन कॉस्ट भी नहीं है। कंट्रीब्यूशन विल बी इंक्रीज बाई 10% पर आवर फॉर ईच एक्स्ट्रा आवर स्किल लेवल दैट कैन बी ऑब्टेन। ये आपका ठीक आंसर है कि आपका जो है कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगा अगर आप इस लेवल, आप 10 रुपए से आपका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होएगा अगर आप एक लेवल ले एक लेवल आवर ज्यादा यूज करेंगे, तो आपका शेडो प्राइस जो है वो 10 रुपीज है। द टोटल कॉस्ट विल बी रिड्यूस ₹10 फॉर ईच एडिशनल आवर। नो, ये भी गलत है, केवल आपका कंट्रीब्यूशन आपका बढ़ेगा उससे, लेबर आवर बढ़ाने से कॉस्ट तो कभी भी कम नहीं होगी भाई, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपका आंसर सी हो गया इसमें। तो आपको समझना पड़ेगा कि शेडो प्राइस का मतलब क्या है। शेडो प्राइस स्किल लेबर का ये होता है कि अगर हम एक आवर उसका यूज करेंगे लेबर का और, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो इस प्राइस से बढ़ जाएगा। तो ये था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मुझे लगता है शायद आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, आप शायद समझ पाएंगे और आप किसी भी तरह के आंसर को दे पाएंगे इसके बाद। तो विद दिस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, अगर कोई तकलीफ है आपको इसको समझने में, तो आप मुझे बताइए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो शायद आपके काम का है।